एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ। तो आज हम एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। हमको पता है एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं। तो एक समान त्वरित गति में यदि कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु का वेग समान समय अंतराल में, जो उसमें जो परिवर्तन होता है वेग में परिवर्तन, वह एक समान होता है। और यदि इस स्थिति में यदि x अक्ष में हम समय को लें और y अक्ष में वस्तु के वेग को लें, तो उस स्थिति में जो वेग समय ग्राफ जो होता है वह समय अक्ष के साथ एक कोण बनाते हुए रहती है, न्यून कोण बनाते हुए, तो उस ग्राफ को हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर देखिए, चूँकि हमको पता है चूँकि वस्तु का त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, अब यदि किसी वस्तु का T1 समय में वेग, यदि V T1 है तथा T2 समय में वेग यदि V T2 है, तो त्वरण A बराबर हमको प्राप्त होगा V T2 माइनस V T1, यह वेग में परिवर्तन कहलाता है, बटे समय अंतराल मिलेगा हमको T2 माइनस T1। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, वेग समय ग्राफ खींचते हैं, जिसमें x अक्ष में समय को लिया जाता है और y अक्ष में वेग को लिया जाता है। तो यहाँ पर हम वेग समय ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारा x एक्सिस कहलाता है और ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है O। x अक्ष में हम समय t को लेते हैं और y अक्ष में हम वेग v, वेग को लेते हैं। अब यदि बिंदु A पर यदि समय का मान T1 है और इस बिंदु B पर यदि समय का मान T2 है, तो उस स्थिति में T1 समय पर यदि वेग, यदि T1 समय पर यदि वेग कितना लिए हैं, T1 समय पर वेग VT1, T1 समय पर वेग यहाँ पर है V T1, और T2 समय पर वेग यहाँ पर मान लो V T2 है। इस दिशा में हम किसको दर्शा रहे हैं, वेग को। अब यहाँ पर देखिए, तो उस स्थिति में जो वस्तु की जो स्थिति जो होगी वो कौन कौन से बिंदुओं से दर्शाई जाएगी। T1 समय पर वस्तु की स्थिति सपोज यहाँ पर है, इसको हम A डैश से दर्शा रहे हैं, और T2 समय पर यदि वस्तु की जो स्थिति है, इस पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो यहाँ पर है मान लो इसे हम B डैश से दर्शा रहे हैं। तो उस स्थिति में A डैश और B डैश को मिलाते हुए एक यदि हम इस प्रकार से रेखा खींचते हैं, तो ये जो रेखा है यह कहलाता है वेग समय आरेख या ग्राफ, और इसको हम कहते हैं समय अक्ष। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हुए झुका हुआ है, थीटा कोण बनाते, मान लो ये कोण थीटा के बराबर है। यहाँ पर हम A डैश से B डैश पर एक लंब खींचते हैं इस प्रकार से,
और मान लो यह बिंदु C है। तो ये जो ग्राफ जो कहलाता है, जिसमें हम समय को एक्स अक्ष में लेते हैं और वेग को वाई अक्ष में लेते हैं, तो ये जो ग्राफ जो कहलाता है, ये कहलाता है वेग समय ग्राफ। ये जो तिरछी जो लाइन है, ये कहलाता है वेग समय ग्राफ, जो कि समय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए झुकी होती है। यहाँ पर जब ये कोण थीटा है, तो यह कोण भी थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर चित्र से देखते हैं, इसको पहला समीकरण दे देते हैं हम, ये पहला समीकरण है। अब चित्र से हम देखते हैं, चित्र में देखिए VT1 बराबर कितना है, VT1 बराबर कितना है, VT1 का मतलब यहाँ तक का जो वेग है, तो VT1 बराबर है A A डैश साथ ही साथ B C, ये आपस में बराबर है। तो VT1 बराबर अपन लिख सकते हैं A A डैश, A बराबर है किसके, B C के। इसी प्रकार VT2 का मान निकालिए, चित्र में देखिए VT2 का मान कितना है, तो O से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये VT2 का मान कहलाता है, और यहाँ पर ये किसके बराबर है, B B डैश के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं B B डैश के बराबर है। इसके बाद हम याद करते हैं T2 माइनस T1, इसका भी मान निकाल लेते हैं। T2 माइनस T1 बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर T2 का मान कहाँ से कहाँ तक है, O से B तक का जो समय है, ये T2 के बराबर है, और O से A तक का जो समय है, यह है T1 के बराबर है। तो उस स्थिति में T2 में T1 घटेगा, तो हमको बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ इतनी लंबाई, और ये किसके बराबर है, A B के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर है A B के, और चित्र में देखिए A B किसके बराबर है, A B A डैश C के बराबर है, A डैश C और A B आपस में बराबर है, तो इसको A B बराबर A डैश C लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब इसके बाद इन मानों को हम समीकरण एक में रखेंगे। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से हमको क्या मिल जाएगा, त्वरण A बराबर, मान रखिए V2 का मान कितना रखेंगे, VT2 का मान कितना रखेंगे, B B डैश, B B डैश माइनस, उसके बाद फिर VT1 का मान कितना रखेंगे, हम VT1 का मान BC को रखते हैं, इस BC को, तो माइनस BC बटे नीचे में है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मान कितना रखते हैं अपन, A डैश C, इसको रख देते हैं A डैश C। तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है A बराबर, अब A बराबर कितना मिलेगा, फिर डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देखिए B B डैश माइनस B C कितना है, तो B B डैश में यदि हम B C को घटा दें, इस पूरे में इतना को घटा दें, तो कितना मिलेगा, ये B डैश C, तो ऊपर में हो गया B डैश C, नीचे में कितना है A डैश C, A डैश C। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, मान लो ये इक्वेशन नंबर दूसरा है। अब हम देखते हैं अब समकोण त्रिभुज, ये काहे का नोटेशन है, ये समकोण और ये त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज A डैश C B डैश, ये समकोण त्रिभुज है, A डैश C B डैश, तो समकोण त्रिभुज A डैश C B डैश से, यहाँ से tan थीटा बराबर कितना होगा, हमको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर हमारा लंब है न्यून कोण के सामने की भुजा, कितना है B डैश C, आधार कितना है A डैश C, तो tan थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, B डैश C बटे A डैश C। इसको तो समीकरण नंबर तीसरा, अतः समीकरण दो और समीकरण दो और तीन से क्या हो गया,
राइट हैंड साइड समान है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड समान हो जाएंगे और ए बराबर मिलता है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या कहलाता है? यह इस वेग समय ग्राफ की प्रवणता कहलाती है। का की प्रवणता का मतलब इसके एक्स अक्ष के साथ झुकाव का टेंजेंट कितना है, तो ए बराबर ये मान मिल रहा है हमको टेन थीटा के बराबर, जो कि वेग समय ग्राफ का प्रवणता कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस समीकरण चार से एक समान त्वरित गति में जो वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वह वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। समीकरण चार को हम क्या कह सकते हैं? एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वह वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा, हमको प्राप्त हुआ a बराबर टेन थीटा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर विस्थापन का मान कितना होगा। अभी हमने त्वरण का मान निकाला, अब विस्थापन की गणना करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर डायग्राम को रहने देते हैं। यहाँ पर लिखिए विस्थापन की गणना। विस्थापन की गणना के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो फार्मूला है, औसत वेग बराबर होता है औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। हमारे पास सूत्र है औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। अब यहां पर देखते हैं, यहां से हमको मिल जाता है, अतः कुल विस्थापन बराबर क्या मिल जाएगा? इसका त्रिया गुणा औसत वेग गुणित कुल औसत वेग गुणित कुल समय अंतराल। अब यहां पर देखिए औसत वेग कितना होगा, तो यहाँ पर t2 समय में जो वेग है vt2 और t1 समय में जो वेग है vt1, इन दोनों का औसत हो जाएगा, कितना हो जाएगा? vt1 प्लस vt2 बटे 2। तो यहाँ पर हमको जो कुल विस्थापन का जो मान मिलेगा वो मिलेगा, औसत वेग का मान कितना रखेंगे हम, vt1 प्लस vt2 पूरे का बटे 2 गुणित समय अंतराल कितना है, तो समय अंतराल है t2 माइनस t1, समय अंतराल है t2 माइनस t1, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं 1/2, बड़े कोष्टक में लिख दो इसको, vt1 प्लस vt2 इंटू t2 माइनस t1। अब फिर हमने चित्र से जो ज्ञात किया था vt1 का मान, vt2 का मान और t2 माइनस t1 का मान, उन मानों को हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2। यहाँ पर देखिए vt1 का मान कितना है, तो vt1 का मान है a a' या BC के बराबर, तो अपन यहां पर लिख देते हैं इसको BC के बराबर। प्लस V2 का मान कितना है, तो V2 का मान है यहां से यहां तक B B' के बराबर, तो इसको लिख दिए B B'। और गुणित T2 माइनस T1 का मान कितना है, तो T2 माइनस T1 का मान यहां पर किसके बराबर है, AB के बराबर, तो इंटू AB।
तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है एक बटे दो बी सी प्लस बी बी डेज इंटू ए बी, ये किसका मान है? अब यहाँ तो बी सी न लिख करके अपन इसको यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, बी सी किसके बराबर है? ए ए डेज के बराबर, इस मान को लिखते हैं। दोनों आपस में बराबर, कुछ अंतर नहीं आएगा। ए ए डेज के बराबर, तो एक बटे दो ए ए डेज प्लस बी बी डेज इंटू ए बी। ये जो फार्मूला जो है, ये फार्मूला किसी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज कौन सा बन रहा है? तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पर देखिए ए बी बी डेज ए डेज, ये काहे का निर्माण कर रहा है? ये चारों पॉइंट काहे का निर्माण कर रहे हैं? ये एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो दोनों समांतर भुजाओं का योगफल गुणित दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी। तो ये उसके बराबर होता है। तो एक बटे दो दोनों समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? एक समांतर भुजा है ए ए डेज, इसके समांतर भुजा कौन सी है? बी बी डेज। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच मतलब इनका योगफल, इनकी लंबाई का योगफल गुणित इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सा है? ए बी या फिर ए डेज, सी का मान रखो, किसी दोनों का भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सूत्र है ये किसके लिए प्राप्त हो रहा है? ये प्राप्त हो रहा है, इसको हम आगे इधर लिखते हैं, इसी को हम आगे लिख सकते हैं कुल विस्थापन बराबर बराबर समलंब चतुर्भुज, कितना है समलंब चतुर्भुज? ए बी बी डेज ए डेज, ए बी बी डेज ए डेज का क्षेत्रफल, या इसी को हम यहाँ पर देखिए विस्थापन बराबर किसका क्षेत्रफल है? समलंब क्षेत्र क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वह वस्तु के कुल विस्थापन के बराबर होता है। ए बी बी डेस ए डेस, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह यहाँ पर वस्तु में जो कुल विस्थापन होता है उसके बराबर होता है। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, वेग समय ग्राफ, ये आपका वेग समय ग्राफ है, और समय अक्ष, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष से जो घिरा क्षेत्रफल जो होता है वह वस्तु के कुल विस्थापन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, जिसके अंतर्गत पहले हमने देखा कि एक समान त्वरित गति में जो वस्तु का जो त्वरण होता है वह वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होती है, और दूसरा विस्थापन की गणना किए तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ और जो समय अक्ष है उससे जो घिरा जो क्षेत्रफल होता है वह वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक समान त्वरित गति में दो प्रकार के ग्राफ होते हैं, एक होता है वेग समय ग्राफ जिसके बारे में हम देखे हैं अभी, और दूसरा होता है स्थिति समय ग्राफ। अगला है हमारा टॉपिक एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ। तो हमारा अगला टॉपिक है एक समान त्वरित गति में
स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ। अब हम देखते हैं एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ। इससे पहले हमने देखा एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ। अब यहाँ जब हम स्थिति समय ग्राफ देखते हैं तो जब स्थिति और समय के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है एक समान त्वरित गति में, स्थिति को हम वाई अक्ष में लेते हैं और समय को हम एक्स अक्ष में लेते हैं, तो उस स्थिति में एक समान त्वरित गति में जो स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्थिति समय ग्राफ, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु है। एक्स अक्ष में हम समय लेते हैं और वाई अक्ष में हम स्थिति एक्स को लेते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ कैसे बनता है उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, पहले सूत्र को देखते हैं। सूत्र से जब ग्राफ बनेगा तो वास्तव में जो सूत्र जो काहे को निरूपित करता है वही यहाँ पर ग्राफ में बनेगा। हमको पता है गति के द्वितीय समीकरण से, क्योंकि गति के द्वितीय समीकरण से हमारे पास फार्मूला है, गति का द्वितीय समीकरण S बराबर होता है यू टी प्लस वन अपॉन टू ए इंटू टी का स्क्वायर। अब यदि कोई वस्तु टी वन या टी बराबर जीरो समय में, ऐसा लिखते हैं इसको, टी बराबर शून्य समय में किसी वस्तु के लिए टी बराबर शून्य समय में जो विस्थापन जो होता है या स्थिति में जो परिवर्तन जो होता है, टी बराबर जीरो समय में वस्तु की जो स्थिति होती है उसको हम काहे से डिनोट करेंगे। टी बराबर शून्य समय में वस्तु की स्थिति को काहे से डिनोट करेंगे, एक्स जीरो, तथा टी समय में अब वस्तु की स्थिति को कहाँ तक डिनोट किया जाएगा तो हम उसको लिखेंगे बराबर एक्स टी। तो उस स्थिति में जो विस्थापन जो होगा एस का मान वो किसके बराबर हो जाएगा, अंतिम समय में वस्तु की स्थिति माइनस उसकी प्रारंभिक स्थिति। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एस बराबर एक्स टी माइनस एक्स जीरो, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर एक, अतः समीकरण एक से। अतः हम समीकरण एक को अब कैसा दर्शा सकते हैं, एस के स्थान पर लिख सकते हैं एक्स टी माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी का वर्ग, या इसी को आगे हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स टी बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दिए राइट हैंड साइड में, तो ये एक्स जीरो प्लस यू टी प्लस एक बटे दो ए टी का स्क्वायर। ये जो समीकरण है समीकरण नंबर, इसको हम अगला दे देते हैं दूसरा। ये जो समीकरण नंबर जो दूसरा है एक परवलय को के समीकरण को प्रदर्शित करता है। समीकरण नंबर दो, यह परवलय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेराबोला, के समीकरण को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब एक समान त्वरित गति में जो स्थिति समय ग्राफ जो होगा वह हमें एक परवलय का समीकरण प्राप्त होता है, और परवलय का समीकरण इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा, ये स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ।
ये किसका इक्वेशन है, ये जो डायग्राम बना है ये इक्वेशन है, उसका जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो ये प्राप्त होता है एक्स टी बराबर एक्स जीरो प्लस जीओ टी प्लस एक बटे दो ए टी का स्क्वायर। यह एक पैराबोला का समीकरण है और जब हम स्थिति और समय के बीच एक समान त्वरित गति में ग्राफ खींचते हैं तो एक्स के सापेक्ष टी के सापेक्ष एक्स की स्थिति का यदि ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्थिति और वेग में संबंध, और साथ ही साथ देखते हैं वेग और त्वरण में क्या संबंध है, साथ ही साथ वेग का संबंध स्थिति से कैसा होता है। इसके बाद अपन देखते हैं स्थिति और वेग में संबंध। स्थिति और वेग में संबंध हमको पता है यदि t बराबर शून्य समय में स्थिति, t बराबर शून्य समय में स्थिति को कहते नोट करते हैं x जीरो है तथा t समय में स्थिति बराबर कितना लिखेंगे इसको एक्स टी है। अतः वस्तु का वेग v बराबर कितना हो जाता है स्थिति में परिवर्तन एक्स टी माइनस एक्स जीरो बटे समय अंतराल टी माइनस जीरो, या इसी को हम आगे लिखते हैं v बराबर स्थिति में परिवर्तन को लिखते हैं डेल x, समय अंतराल को लिखते हैं डेल t। यदि हम यहाँ पर लिमिट लगाएं डेल t का मान क्रमशः जीरो की ओर अग्रसित हो तो उस स्थिति में इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर लिमिट डेल t का मान शून्य की ओर अग्रसित होगा तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, या डेल टी अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर इंटू डेल एक्स बटे डेल टी। और अवकलन की परिभाषा से होता है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बटे डेल टी का मान ये होता है डी एक्स बटे डी टी। ये काहे की परिभाषा से है, अवकलन की परिभाषा थी, ये डी एक्स बटे डी टी ये अवकलन कहलाता है, अवकलज कहलाता है। यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन कहलाता है, तो v बराबर मिल गया डी एक्स बटे डी टी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं v वस्तु का वेग है और x वस्तु की स्थिति है। ये जो संबंध है वस्तु की स्थिति और वस्तु के वेग के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो v बराबर प्राप्त हुआ डी एक्स बटे डी टी। इसी प्रकार हम देखते हैं वेग और त्वरण के बीच संबंध। इसी प्रकार देखते हैं वेग और त्वरण में संबंध। वेग और त्वरण में संबंध, वेग और त्वरण के लिए भी वही जैसे यहां पर माने यदि t बराबर शून्य समय में वस्तु का वेग, ये किसको अपन कितना लेंगे v जीरो,
प्रारंभिक वेग को हम जनरली यू से भी डिनोट कर देते हैं, या ऐसा भी किया जा सकता है, बस लिखने का तरीका है। यदि टी बराबर शून्य समय में वेग वी जीरो हो तथा टी समय में वेग बराबर ये है वी टी है तो वस्तु का त्वरण, तो हमको पता है वस्तु का त्वरण बराबर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर क्या होता है, त्वरण किसे कहते हैं, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर जो होती है उसे वस्तु का त्वरण कहा जाता है। तो वस्तु का त्वरण ए बराबर हमको मिल जाएगा वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कितना, अंतिम वेग वी टी माइनस प्रारंभिक वेग वी जीरो बटे समय अंतराल कितना टी माइनस जीरो, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं ए बराबर डेल वी बटे डेल टी। सिमिलरली यहाँ पर लिमिट लगाने पर सीमा के लिमिट के प्रयोग से क्या हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं ए बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी बटे डेल टी। अब अवकलन की परिभाषा से यही हो जाता है, तो या ए बराबर डी वी बटे डी टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये जो संबंध है वस्तु के त्वरण और वस्तु के वेग के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर वस्तु का त्वरण और वस्तु की स्थिति के बीच में भी हम संबंध दर्शा सकते हैं, इसी को आगे अपन देखते हैं। ये जो संबंध है a बराबर डी वी बटे डी टी, यह वस्तु के वेग और वस्तु के त्वरण के बीच संबंध को दर्शाता है। अब हमको पता है क्योंकि v बराबर होता है डी एक्स बटे डी टी, अतः यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा a बराबर जब मान रखेंगे v का मान, तो d बटे डी टी इंटू वी का मान रखेंगे कितना, ये जो मान है इसको डी एक्स बटे डी टी, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा ए बराबर डी टू एक्स बटे टी टी का स्क्वायर। ये जो कहलाता है ये संबंध वस्तु के त्वरण और वस्तु के स्थिति के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। यह संबंध त्वरण a और स्थिति x में संबंध दर्शाता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और किस प्रकार का संबंध दर्शाता है, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के स्थिति का द्वितीय अवकलज कहलाता है। डी टू एक्स बटे डी टी का वर्ग है, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय अवकलज। अर्थात हम यहाँ बोल सकते हैं किसी वस्तु का त्वरण उसके स्थिति का द्वितीय अवकलज कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा वेग और स्थिति के बीच संबंध, तो वेग और स्थिति के बीच क्या संबंध मिला था हमको, यहाँ पर लिखे भी हैं, यहाँ पर देखिए v बराबर डी एक्स बटे डी टी, ये वेग और स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। और त्वरण और वेग के बीच जो संबंध है वह a बराबर डी वी बटे डी टी उसको प्रदर्शित कर रहा है। और यदि हम ये बताना चाहें कि स्थिति और त्वरण के बीच क्या संबंध है, तो उस स्थिति में हम बता सकते हैं a बराबर होता है डी टू एक्स बटे डी टी का वर्ग, या इसको हम कहते हैं किसी वस्तु का त्वरण उसके स्थिति में जो परिवर्तन है उसका द्वितीय अवकलज होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु का त्वरण उसके स्थिति का द्वितीय अवकलज होता है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रश्न देख लेते हैं। एक आंकिक प्रश्न देखिए, प्रश्न लिख लो,
पिंड को एक पिंड को ऊंची मीनार एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक भूमि या पृथ्वी तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण का जो कुल मान है त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग यदि गिरते समय एक समान त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में या जमीन तक गिरने में कुल 4 सेकंड का समय लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण का जो मान है वह है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर तो उस स्थिति में हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यह किससे संबंधित प्रश्न है? ये जो प्रश्न है पहले प्रश्न को हमको ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है जो गति के जो समीकरण जो दिए गए हैं उनसे ये हल होगा। तो हल लिखिए यहाँ पर जो सूत्र जो लगेगा वो जो गति का जो दूसरा समीकरण है S बराबर यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है वह सूत्र है S बराबर UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए दिया है पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। एक पिंड है वह मीनार की चोटी पर रखा गया है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से उसका जो प्रारंभिक वेग जो होगा U का मान वो जीरो होगा U का मान होगा जीरो। T का मान कितना दिया है T का मान ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये 4 सेकंड दिया है। अब ऊपर से नीचे गिर रहा है इसका मतलब वहाँ पर जो त्वरण जो उत्पन्न होगा वह क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान भी यहाँ पर दिया है। देखो त्वरण का मान दिया है 9.8 तो A बराबर G के बराबर है और G बराबर यहाँ पर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और जो उस पिंड के द्वारा जो तय की गई जो दूरी होगी कहाँ से कहाँ तक मीनार के ऊपरी सिरे से लेकर के पृथ्वी तक की जो दूरी जो होगी वही कहाँ होगी मीनार की ऊंचाई होगी और वस्तु भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है मतलब वो किसके बराबर होगा S के बराबर होगा अर्थात हमको यहाँ पर किसका मान निकालना है S का मान निकालना है। अतः सूत्र में मान रखने पर S बराबर U का मान कितना रखेंगे जीरो इंटू T का मान कितना रखेंगे 4/1/2 A का मान है 9.8 गुणित T का मान कितना है 4 सेकंड का वर्ग। तो ये कितना हो जाता है S बराबर ये तो जीरो हो गया और 4 चौक 16 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 9.8 × 8 और जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा दूरी S बराबर 8 64 × 4 फिर 6 8 72 और 6 78 78.4 ये क्या हो जाएगा मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 78.4 मीटर।
तो इस प्रकार से यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे तो और वो मिलेगा 78.4 मीटर। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। इस प्रकार से ये आपका जो पहला, दूसरे यूनिट का जो पहला चैप्टर है एक विमी गति, उसका ये अंतिम टॉपिक था। और यहाँ पर हमने जो आंकिक प्रश्न के अभ्यास किए हैं वो उसी तरह के और भी आंकिक प्रश्न हैं, उसका आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।